पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। चुनावी नतीजे आने के बाद एक ओर देश की राजधानी दिल्ली में एनडीए अलायंस की बैठक हुई तो दूसरी ओर इंडिया अलायंस की, और इस बैठक में एक अहम फैसले लिए गए। देश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में देश के तमाम दलों के नेताओं की जुटान हुई है। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, या फिर इंडिया ब्लॉक के नेता जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की बैठक हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं के साथ मीटिंग की है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार तीसरी बार बनेगी लगातार, तो दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के अंदर क्या कुछ चल रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, एम के स्टालिन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के मन में क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार पीएम पद की शपथ नहीं ले पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले ही बाजी पलट जाएगी? आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं हम, और इस रिपोर्ट में ही आप समझ रहे होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण बातें हो रही है सियासत से जुड़ी। दो राज्यों का भविष्य भी इसमें है, बिहार और आंध्र प्रदेश का। नरेंद्र मोदी देश में तीसरी दफे प्रधानमंत्री तभी बन पाएंगे जब नीतीश कुमार उनके साथ होंगे, जब चंद्रबाबू नायडू उनके साथ होंगे। टीडीपी और जेडीयू अगर समर्थन नहीं देती है तो मोदी जी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएंगे। इस बार प्रधानमंत्री बैसाखी की सरकार पर भी चलने को मजबूर हैं, और दूसरी ओर एनडीए ब्लॉक की कोशिश है कि हमने जो जीत हासिल की है, वो अब अगर एनडीए के घटक दलों को तोड़ दें तो हम इसमें एक बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन आपके सामने ये तस्वीर भी हम आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी तो बहुत कुछ कह रहा है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं की बैठक की ये तस्वीरें हैं। और कहते हैं ना कि तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। देश में 234 सीटों पर INDIA ने जीत हासिल की है, 17 जो है वो अन्य जीते हैं, 292 सीटों पर NDA ने जीत हासिल की है। और यहाँ पर अगर इस चुनावी लड़ाई में नतीजे अगर आ गए हैं अब ऐसे, तो ये तय करना होगा बैठकर कि आखिरकार हम कैसे इसे आगे लेकर जाएंगे। देखिए, विपक्ष के नेता कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। या तो वो सत्ता में रहेंगे या फिर वो विपक्ष में रहेंगे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस हाई है। कांग्रेस ने दोगुनी सीटें जीती, इस वजह से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बुरी तरीके से हराया, इस वजह से अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई है। 0 सीटों पर आउट होने वाले तेजस्वी ने बिहार में बीजेपी जेडीयू को हराकर 4 सीटें जीती। कांग्रेस ने बिहार में 3 सीटें जीती, लेफ्ट ने बिहार में 2 सीटें जीती, इंडिपेंडेंट की भी जीत हुई बिहार में। तो ये 10 जीत सीट पर जीत जो बिहार में हुई है, ये जीत भी इंडिया अलायंस की मजबूती के लिए है। तो कॉन्फिडेंस हर ओर है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को रण में पछाड़ा तमिलनाडु, बंगाल में, स्टालिन ने तमिलनाडु में, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने महाराष्ट्र में। तो खैर, अब पीएम की कुर्सी रहेगी या जाएगी, इस पर रणनीति बनानी है। जरा अब आपको विस्तार से ये भी समझा देते हैं कि इंडिया ब्लॉक की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए। इंडिया ब्लॉक की बैठक में ये चर्चा हुई कि अगर
कोई भी इंडिया अलायंस के साथ जुड़ता है तो खुला ऑफर है, दरवाजे खुले हैं, उनका स्वागत है। नीतीश कुमार आना चाहते हैं आ जाएं, चंद्रबाबू नायडू आना चाहते हैं आ जाएं, चिराग पासवान आना चाहते हैं आ जाएं, और बिहार की सियासत पर और आंध्र प्रदेश की सियासत पर इसका असर पड़ेगा। बिहार में नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए के साथ हैं, और हाल ही में नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए हैं, 5 महीने हुए नीतीश कुमार को गए हुए अभी। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा, नीतीश कुमार आखिरकार क्या इस बार दगा देकर मोदी को फिर से वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। एनडीए अलायंस के नेताओं की एक रणनीति है कि अगर नीतीश कुमार अगर बात पे मनाने पर माने तो ठीक, नहीं तो मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभाने को तैयार है। नीतीश कुमार मान जाए तो ठीक है, नीतीश कुमार आ जाए। इधर नीतीश कुमार ने भी बड़ी प्रपोजल रख दी है, नीतीश कुमार और नायडू ने तो मोदी को जो है वो समर्थन पत्र भी दे दिया है। लेकिन सवाल ये कि इंडिया अलायंस के नेता क्या इतनी आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ लेने देंगे। बहुत कम फासला है, बहुत कम जो है वो जीत के लिए चाहिए। हालांकि बीजेपी भी कॉन्फिडेंस में है कि भले ही हमारी हार हुई है, दायरा कम हुआ है जीत का, लेकिन जीत तो हमने सबसे बड़ी हासिल की है। तो देखिए, दिल्ली में एक और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये पूरी रणनीति बन गई है कि आगे करना क्या है। इंडिया अलायंस की पूरी रणनीति है कि सरकार बनाने की, इंडिया अलायंस की पूरी कोशिश है कि वो सरकार बनाएगी, और इस कोशिश में अब इंडिया अलायंस ने नेताओं को जिम्मेवारियां दे दी है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव को भी एक तरीके से कहें तो जिम्मेवारी मिल गई है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को बड़ी जिम्मेवारी मिली है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी शरद पवार और तेजस्वी और अखिलेश को मिली है। तो इन तमाम रणनीति पर अब काम शुरू हो चुके हैं। दिल्ली में मोदी की कुर्सी जाएगी या फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी, अब इस पर काम शुरू हो चुका है।